समझ लो कि ये आपका आर्म है, तो ऊपर वेन है, उसके ऊपर कैपिलरी है, बीच में आर्टरी है, फिर यहाँ वेन है, कैपिलरी है, यानी सेंटर पार्ट पे आर्टरी चलती है, उसके ऊपर वेन चलती है और सबसे ऊपर कैपिलरी चलती है। क्लियर हो गया? कैपिलरी समझने का चक्कर है आपका बाल, बाल जितनी पतली होती है हर जगह अवेलेबल होती है, नाखून के टिप पे भी होती है, जहां से नाखून स्टार्ट हो रहा है, जहां से नाखून स्टार्ट हो रहा है वहां पे भी होती है। ठीक है, बाल जहां से शुरू हो रहे हैं वहां पे भी होती है। अगर कभी महसूस करना हो तो चार पांच बाल एक साथ खींच के देखिए, करना मत, हकीकत दर्द हो जाएगा, ब्लड भी आ सकता है, चांसेस है। ठीक है, मजाक की बात कर रहा हूं। खैर, तो यहां पे क्या है कि आपका सारी जो चीजें हैं वो आर्टरी, वेन और कैपिलरी द्वारा की जाती है, जो कि अलग अलग साइज में होती है। कैपिलरी सबसे थिन होती है, वेन डिपेंड करता है कौन सी वेन है, आर्टरी भी डिपेंड करती है कौन सी आर्टरी है, उसके साइज और थिकनेस के अकॉर्डिंगली कि वो कहाँ की आर्टरी है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें हम डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरी और वेन में जो अभी हमने पढ़ा, पॉइंट वाइज उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो दे कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द होल बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के आर्टरी का ब्लड हर जगह प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम बोलते हैं, वो कैरी करता है। फिर दूसरे की तरफ क्या कह रहे हैं, द कैरी इम्प्योर डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब यहाँ हार्ट आपने अगर याद आ रहा हो तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का लेफ्ट और राइट पार्ट चार चैम्बर पड़े होंगे। तो वहां पे जो है, वहां पे क्या होता है, हार्ट का काम क्या है, वो पंप कर रहा है। तो पंप क्या कर रहा है, इम्प्योर ब्लड को प्योर की तरफ ही तो भेज रहा है भाई। वेन से हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर बॉडी में घूमता हुआ फिर वापस हार्ट में ही आ गया। नहीं समझे? आया? क्लियर हुआ? ठीक है, हार्ट और अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक एक पार्ट में दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, आपकी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन को छोड़ के यहाँ पे क्या करता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है। आर्टरी हैव नो वैल्यू, आर्टरी की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता, आर्टरी की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता, बट वेन की वैल्यूज आप डिफाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम वेन से ही ज्यादातर टेस्ट लगाते हैं। क्लियर हो गया? आर्टरी की वैल्यू क्यों डिफाइन नहीं कर सकता, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, ऑक्सीजन डिपेंड करेगा कि आप किस एनवायरमेंट में खड़े होकर सांस ले रहे हो। आप अमेजोन के जंगल में खड़े हो, आप गाजियाबाद के पॉल्यूटेड सिटी में खड़े हो, या आप सिंगापुर के कोई अच्छे या खराब सिटी में खड़े हो, आप नैनीताल खड़े हो कि आप दिल्ली खड़े हो कि आप पंजाब खड़े हो, कौन सी जगह में खड़े हो कि आप एयर कंज्यूम कर रहे हो, और उस एयर की क्वालिटी क्या है वो डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन जा रहा है, कितना टार जा रहा है, कितना कार्बन जा रहा है, कितना केमिकल गैसेस जा रहे हैं, कितनी रेडिएशन गैसेस जा रही हैं, वो डिपेंड करेगा उस एनवायरमेंट पे। इसलिए हम आर्टरी की कोई वैल्यूएटेड चीज नहीं दे सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपके सराउंडिंग्स में। ठीक है, आपने क्या खाना खाया, एक्सपेंसिवली है ना, आपने एक किलो रसगुल्ले खा लिए, मीठा ही मीठा, आधा किलो सपोज क्या कहते हैं उसको, डोसा या ढोकला खा लिया, नमकीन ही नमकीन, नमक ज्यादा ले लिया या स्वीट ज्यादा ले लिया, डिपेंड कर रहा है कि आप खा क्या रहे हो, वहां से एब्जॉर्ब क्या कर रही है बॉडी, कितनी मात्रा में कर रही है, कितना वेस्ट कर रही है। एब्जॉर्ब तो सारा कर लेगी तभी तो वो सॉलिड बनेगा। आपने दाल और चावल खाए, पानी भी था उसमें, माड़ था, तभी तो चावल फूले, वरना तो वो पतले से ही रहते, सॉफ्ट हुए तभी पानी की वजह से, दाल भी सॉफ्ट हुए पानी की वजह से, तो वापस से वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो उसमें से एनर्जी तो निकल गई, 80% निकली या 50% निकली, वो डिपेंड करेगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रांग है, और एक्सक्रेटरी सिस्टम कितना स्ट्रांग है, और एब्जॉर्प्शन सिस्टम कितना स्ट्रांग है, वो तो उसमें डिपेंड कर रहा है कि कितनी चीजें एब्जॉर्ब हो गई, कितनी अच्छी से डाइजेस्ट हो गई, काइम और चाइम कितना बढ़िया से मिक्स हुआ, कितने बढ़िया से बोलस बना, कितने बढ़िया से आपने चबाया उसमें सलाइवा, कितना वो क्या है, वो फिजिकल एक्टिविटीज है, वो डिपेंड करेगा। अगर कोई खराब चीज, टिंडे की सब्जी मेरे सामने आ जाए
मुझे पसंद ही नहीं है, जबरदस्ती दो टोका खा लूंगा। अब वही राजमा चावल आ जाए, छोले चावल आ जाए, कढ़ी चावल आ जाए, रोटी आलू की सब्जी आ जाए, दम भर खाएंगे, मन भर खाएंगे। क्यों? लार्वा भी बनेगा, मन भी करेगा, स्टमक भी पूरा रिलैक्स होने फैल जाएगा। भर लो जितना भरना है, भर लो तुम अपना मन, होता है ना, मनपसंद चीज आ जाए दबा के खा देते हैं। बहुत हो गया तो खाना, वो दर्द हो रहा है पेट थोड़ी देर के लिए, होता है, अक्सर होता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो बेसिकली यही है कि वैल्यूएबल चीज आपको नहीं पता आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं है कोई कि आप इतना ही कंज्यूम करोगे और यहाँ पे रहोगे तो इतना ही कंज्यूम होगा, ऐसा भी नहीं है। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है। वही रोटी आप भी खाओगे, वही रोटी मैं ही खाऊंगा, आपकी बॉडी अच्छी से अब्सॉर्ब कर रही है, हो सकता है मेरी बॉडी अच्छी से ना अब्सॉर्ब कर रही हो, तभी तो इंसान पतले और मोटे होते हैं। कोई कहता है मुझे तो जी हवा भी लग जाती है, अरे हवा लगती थोड़ी है, आपका सिस्टम वैसा है, एनर्जी ज्यादा निकाल लेता है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो फैटी हो जाता है इंसान। वही चीजें निकालता भी है और उसको वेस्ट में फेंक देता है, पतला रह जाता है इंसान, वो यूटिलाइज नहीं कर पाती उसकी मस्कुलर सिस्टम। कोई एनर्जी आई तो उसको यूटिलाइज करने की भी तो एबिलिटी होनी चाहिए। आपको मैं आईफोन दे दूं, कितना परसेंट यूज कर लोगे? अगर आपने वो सीखा ही ना हो यूज करना, कैमरा चला लोगे, फोन उठा लोगे, वीडियो कॉल कर लोगे, ऑडियो कॉल कर लोगे, इंटरनेट चला लोगे, बस यही है। उसमें एस्ट्रोनॉट का भी फंक्शन दिया हुआ है, उसमें सैटेलाइट फंक्शन